करनाल की पंजाबी धर्मशाला में करनाल पुलिस की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेक्टर 9 के चौकी इंचार्ज बंसीलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की रक्षा करने का हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए। बंसीलाल ने कहा कि आज हर जगह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम है, हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हर क्षेत्र में महिलाएं आज पुरुषों से आगे बढ़ रही हैं, जिस कारण महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। महिलाओं को उनके हक और कानूनों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस प्रशासन व हरियाणा सरकार भी महिलाओं पर ध्यान दे रही है। इस अवसर पर 62 महिलाओं के फोन में दुर्गा शक्ति ऐप डाउनलोड किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार आज सभी उप पुलिस अधीक्षक, सभी थाना प्रबंधक और सभी चौकी इंचार्जों ने करनाल के गांव व कस्बों में जाकर ग्राम सभाओं का आयोजन कर उपस्थित जनसमूह को लिंग समानता, महिला सुरक्षा, एनीमिया व कुपोषण, ड्रग्स की हरियाणा व महिला सुरक्षा से संबंधित दुर्गा शक्ति ऐप के संबंध में जागरूक किया। इस अवसर पर सुनीता बस्त्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा के संदर्भ में दुर्गा शक्ति ऐप के महत्व के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि दुर्गा शक्ति ऐप से महिलाएं अपने आप को घर के बाहर भी सुरक्षित रख सकती हैं। महिलाओं को दुर्गा का रूप माना जाता है, उनको उनकी रक्षा के लिए दुर्गा शक्ति ऐप के माध्यम से दुर्गा के समान शक्ति प्रदान की गई है। कोऑर्डिनेटर जगदेव ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आज के समय में आगे हैं। रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, लता मंगेशकर ने देश का नाम चमकाया है। देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो ये नीचता, इसी में समाधान है। बनो बनो ज्ञानी, बनो दानी, अब तो लोगों जाग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ। तो इसीलिए बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। पहली बात आती है कि बेटी को किससे बचाना है, क्या है ऐसा जो बेटी बच नहीं रही और किस कारण से उसको हमने बचाना है। बेटी को बचाना है घटते लिंग अनुपात से, बेटी को बचाना है बढ़ते अपराध से, बेटी को बचाना है छोटी सोच से, इन चीजों से बेटी को बचाना है। घटता लिंग अनुपात, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की अगर कम स्थिति है तो उसे घटता लिंग अनुपात कहा जाता है। तो हमारे हरियाणा में जैसे कि पहले की अपेक्षा अब स्थिति सुधरी है। मेरा गांव जहां की मैं बेटी हूं, कैथल जिले में मुंदड़ी गांव है मेरा, वहां पर 1000 पुरुषों के पीछे 1781 लड़कियां हैं, जिसे अवार्ड भी मिला है अभी कुछ दिन पहले, बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है 1000 पुरुषों के पीछे 1781 लड़कियां। तो अगर यही स्थिति हमारे देश के सभी गांव की हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। लेडीज को भी लेडीज की हेल्प करनी पड़ेगी। मान लो डोरी सिस्टम की बात आती है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है, तो इसमें आप प्लीज बुरा मत मानना, कहीं लेडीज ही लेडीज को तंग करती हैं ज्यादा। उसमें घरों में थोड़ा सा आप लोगों ने इंस्पायर करना है उनको भी। और ये मैं कहूंगा कि यहाँ का जो प्रोग्राम है, रिस्पेक्टेड बंसी जी को, बंसी लाल जी ने और जगदेव जी ने इतना बड़ा बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर किया है, जो एक इतना अच्छा यहाँ पर एक स्टेज हमारे को प्रोवाइड करा दिया है कि हम कम से भी कम दो चार बातें अपनी शेयर कर सकें। मेरी दो तीन मैडम ने भी बताया और दो तीन के अलावा दो तीन बहनें भी यहाँ पर आई, उन्होंने काफी बढ़िया अच्छे तरीके से, कुछ छोटा नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊं। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वास्तव में तब मैं मान सकता हूं कि हम मना रहे हैं, हम सभी जो पुरुष प्रधान समाज जो पहले होता था, अब तो नहीं मैं कहूंगा भी पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, बराबर की भागीदारी है, और हम सभी को भी परिवार के अंदर महिलाओं को पूरा सम्मान देना चाहिए, जितना हो सके सम्मान बिल्कुल देना चाहिए, और ताकि वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ, अपना डेवलपमेंट कर पाए। मैं अपने घर से भी स्वयं देखता हूं जी, लेडीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, साइड बाय साइड वो अपना बराबर की जॉब भी कर रही है,
ऐसा क्या उन्हीं की ड्यूटी बनती है खाना बनाओ भी, दोपहर को आ रहे हैं फिर खाना बनाओ, शाम घर का भी सारा काम करो। तो इस तरीके से मैं ये भी सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपनी फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बिल्कुल सहयोग करना चाहिए। हम भी सहयोग करते हैं और मैं औरों को भी इंस्पायर करूंगा कि सहयोग करें जी, बिल्कुल इसमें कोई वो जैसे पुराना जो पुराने रूढ़ी रीति रिवाज थे, रूढ़ीवादिता थी, नहीं भाई लेडीज ही करेगी ऐसा कोई काम, ये कोई संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन या किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ना परमात्मा ने लिखा है कि भी ये लेडीज के लिए करना है तो करेगी लेडीज करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बधाई देता हूँ और ये सरकार को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से कि सरकार के आदेश के कारण ही हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हो पाए। और आप सभी भी समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य बनता है महिलाओं का सम्मान करना व उनको एम्पावर करने में, उनकी क्षमताओं को पहचानने में, उनके मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को बताने में समाज आगे आए और अपनी सोच में परिवर्तन करे। धन्यवाद। और इसी के साथ ही मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट इसी स्टेज के माध्यम से करूंगा भी आप सभी अपना स्मार्टफोन है सभी के पास जी, उसमें दुर्गा शक्ति ऐप जरूर डाउनलोड करें। मैं अभी थोड़ा थोड़ा समलता सिस्टर ग्लैंडिंग अमरज्योति स्कूल, श्रीमती राधुर निशा कमोद, श्रीमती नीलम कौशिक वन्य मेरी बहन हो, भाई बलविंदर सिंह एम सी, मुकेश करोड़ा एम सी साहब, श्यामलाल कम्बोज, रामभज विकार एस आई, कर्ण सिंह कम्बोज, प्रेम गौतम, इंद्रराज शर्मा, ओम नाथ मलिक, डॉक्टर अजमेर आर्या व अन्य गणमान्य व्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में चंद शब्द कहना चाहूँगा। यहाँ पर उपस्थित हर महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान की प्रशंसा करते हुए 8 मार्च को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पूरे वर्ष में मनाए जाने वाले इस दिन का महत्व साल दर साल बढ़ रहा है। आज की महिला आत्मनिर्भर है और समाज और देश के विकास के लिए बड़ा योगदान दे रही है और वे हमेशा ऐसा करती रही है। हर महिला समान रूप से महत्वपूर्ण है, भले ही वह एक काम काजी महिला है या उनके परिवार और बच्चों की देखभाल करने वाली घरेलू महिला है, लेकिन यह एक सच्चाई है कि उनके बड़े योगदान को स्वीकार करने के बाद भी महिला और पुरुषों में के मुकाबले समान स्थान नहीं दिया जाता। महिला सशक्तिकरण आज भी आवश्यक है क्योंकि कई गांवों में आज भी लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलती, कम उम्र में उनकी शादियां करवा दी जाती हैं और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। महिला को कम मत समझो, झांसी की रानी भी महिला थी, लक्ष्मी बाई भी महिला थी, इंदिरा गांधी भी महिला थी, प्रतिभा पाटिल भी महिला थी, कल्पना चावला जैसी भी अनेक महिलाओं ने दिखा दिया है कि आज भी महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आज भी कई महिलाएं को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती केवल इसलिए कि वे महिला है। इस उपस्थिति में बदलाव जरूरी है। आज के युग में बदलाव धीरे धीरे हो भी रहा है। इस बात की खुशी जरूर है कि आज इस वजह से तो हम आज के दिन मना रहे हैं, पर इस सम्मान को आज के दिन तक न सीमित रखकर रोजाना महिला दिवस के रूप में ही महिला की इज्जत करनी चाहिए तो हर महिला को ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन उत्सव है, इंसानियत उसका केंद्र बिंदु महिला है। यह कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।